मॉर्निंग, सुप्रभात। खुशी से बढ़कर कोई इम्यूनिटी नहीं होती, इसलिए खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए और फूलों की तरह मुस्कराते रहिए। आप सबका दिन शुभ हो। तो हमारे चैनल स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ का त्रिभुज, ज्योमेट्री का एक पार्ट है। इसमें आपको सबसे पहले बताना है त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई अबंध आकृति, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये थोड़ा सा अतिरिक्त आपको पॉइंट बता दिया गया है। तो पहला क्या है, त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति आप चित्र में देख रहे हैं, त्रिभुज है। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी। तीन भुजाएं हो गई, तीन कोण हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी, और तीन शीर्ष भी हो गए, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो इस तरह से आपका त्रिभुज हो गया। और एक शर्त भी यहाँ पर बता दी गई है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि त्रिभुज के तीनों भाग, पहला तो आपको शीर्ष बिंदु, ये तीनों आपके शीर्ष बिंदु हो गए, फिर आपकी तीन भुजाएं हो गई, एक दो और तीन, तीन कोण हो गए। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः त्रिभुजों का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण और कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो जैसे भुजाओं के आधार पर हम देखते हैं, जो पहले प्रकार का है वो होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर एक न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो अगर हम भुजाओं को आधार मानते हैं वहाँ पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और हम कोणों को आधार मानते हैं तो वहाँ पर भी त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। आइए हम इनकी रचना करके देखते हैं। चित्र में हमारे पास तीन टूल हैं, तीन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है हमारा सी। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। जैसे आपने ए को सी से मिला दिया, ए को बी से मिला दिया, और ये हमारे पास एक त्रिभुज तैयार होता है। उस त्रिभुज को हम कहते हैं ए बी और सी। इस त्रिभुज का नाम यहाँ पर डी है, ये पॉइंट सॉरी सी होना चाहिए। तो हो गया आपका ए बी सी। अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, भुजा ए बी, ये सी पॉइंट है आपका, भुजा ए बी, दूसरी भुजा है आपकी बी सी, तीसरी भुजा है आपकी ए सी या सी ए। अब इन तीनों भुजाओं में तीन संबंध हो सकते हैं, और उन्हीं संबंधों के आधार पर हम बता सकते हैं आपको कि त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अब इनमें कौन कौन से संबंध होते हैं, चलिए हम पहला संबंध नोट करते हैं। चित्र में एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में आपकी जो तीन भुजाएं हैं, ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी ए, या तो ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी
ये आपकी प्रथम शर्त होती है। और इस प्रथम शर्त के अनुसार त्रिभुज का जो एक प्रकार है वो ये है, समबाहु त्रिभुज। ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। तो पहला जो भुजाओं के आधार पर जो प्रथम प्रकार था, उस प्रकार में आपको बताया गया समबाहु त्रिभुज, और उसमें सारी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे की समान लंबाई की होती हैं। तो ये हो गया आपका प्रथम प्रकार का त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि कोई दो भुजाएं बराबर हैं, भुजा ए बी और बराबर भुजा बी सी, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो इस परिस्थिति में आप सम द्विबाहु, यहाँ पर आप त्रिभुज को नाम देंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। ये आपका हो गया सम द्विबाहु त्रिभुज। तो आपके तीन प्रकार के त्रिभुज बताए गए थे, तीन में आपका पहला हो गया समबाहु और ये दूसरा हो गया सम द्विबाहु, और अंतिम जो शर्त है ए बी बराबर नहीं बी सी और बराबर नहीं सी ए, तीनों भुजाएं अगर बराबर नहीं हैं, अलग अलग लंबाई की हैं, तो वहां पर आप बता सकते हैं तीसरा वाला जो है विषमबाहु त्रिभुज। इनके विभिन्न नाम भी हैं इंग्लिश में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो ये आपका जो तीसरा हो गया वो हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कोणों के आधार पर। अब दूसरा प्रकार जो हमने पढ़ा था कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो अब हम तीनों की चर्चा करते हैं। चित्र में आप एक त्रिभुज देख रहे हैं ए बी और डी, इसके अलग अलग कोण दिए गए हैं, एक कोण 57 डिग्री, एक 52 डिग्री, एक 70 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस त्रिभुज में तीन कोण दिए गए हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये बिंदु सी है हमारा यहाँ पर। तो अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों कोणों का योग आपका 180 अंश होता है, ये हमको पहले से पता है। अब हमें यहाँ पर चर्चा करनी है जिस त्रिभुज के सभी कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों ही कोण कैसे हैं, न्यून कोण हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हैं वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए क्या होता है कि न्यून कोण त्रिभुज, त्रिभुज में कभी कभी एक या दो कोण ही न्यून कोण होते हैं, तो आप वहां पर नहीं कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज में शर्त ये होती है कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों ही कोण न्यून कोण यानी कि 90 अंश से कम, लेस देन 90 डिग्री, 90 अंश से कम के होने चाहिए। तो ये आपका पहला प्रकार हो गया। अब आता है दूसरा प्रकार। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका समकोण त्रिभुज। दूसरे प्रकार का होता है समकोण त्रिभुज। देखिए तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर तीनों ही कोण समकोण हो जाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 90 90, अगर आप इस तरह से जोड़ लगाते हैं तो यह क्या होता है 270 डिग्री, जो कि आपकी कंडीशन से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग ऐसी परिस्थिति में तीनों कोण 90 अंश नहीं हो सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज में या तो कोण ए या बी या कोण सी, तीन में से कोई सा एक कोण 90 अंश यानी कि समकोण होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं समकोण का मतलब होता है
90 डिग्री, यानी कि जो समकोण है वो 90 अंश है। तो समकोण त्रिभुज जो कोणों के आधार पर त्रिभुजों का दूसरा प्रकार है, उसमें एक कोण 90 अंश का होगा तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। चित्र आप में आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। अब रहा आपका तीसरा प्रकार, जो तीसरा प्रकार है उस पर भी हम चर्चा करते हैं, तो उसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। अंतिम जो प्रकार है कोणों के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज, तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपके सामने समकोण त्रिभुज की चर्चा हुई थी, तो तीनों कोण 90 अंश नहीं हो सकते, एक कोण 90 अंश हो। और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 अंश से अधिक, 90 से अधिक जो होगा उसको आप अधिक कोण कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण या तो कोण ए या कोण बी या कोण सी, अधिक कोण होगा। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक, तो उस त्रिभुज को आप अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। चित्र में जो आपका कोण ए है जिसका मान 118.5 है, तो ये कोण ए जो है आपका अधिक कोण है और ये आपका हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अब हम यहाँ पर आपको दो चीज़ें और बताते हैं, त्रिभुज निर्माण की शर्त। त्रिभुज के निर्माण के लिए तीन शर्तें प्रमुख होती हैं। पहली तो ये है कि दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक हो तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है। दूसरी शर्त यह है कि तीनों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। और तीसरी जो प्रमुख शर्त है, जो 6 अंग होते हैं, 6 अंगों में से त्रिभुज के जो अवयव या अंग बोले जाते हैं, 6 अंग कौन कौन से, कोण, बिंदु और भुजा, इनमें से आपको 6 अंगों में से 3 अंग, कम से कम 3 अंग पता हों तब आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये रही त्रिभुज के निर्माण की आवश्यक शर्त या त्रिभुज के निर्माण की संभावना। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे वादा है बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए आएंगे गणित से। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। धन्यवाद।